नगर निगम भिलाई के वार्ड 10 स्थित शिक्षक नगर के रहवासी इन दिनों भरी हुई नालियों से काफी परेशान हैं और इसकी शिकायत वार्ड पार्षद और सभापति गिरिवर बंटी साहू सहित महापौर से करने के बाद भी निराकरण नहीं निकाल पा रहे। वार्ड 12 शिक्षक नगर में अभी कई मकानों में निर्माण किए जा रहे हैं और निर्माणकर्ताओं द्वारा सड़क किनारे बनी नालियों को गिट्टी, रेती और मुरम से जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से नालियों में बहने वाला पानी नालियों में जाम हो रहा है और इसकी वजह से मच्छर, मक्खी एवं अन्य जीव जंतुओं ने इसमें अपना बसेरा बना लिया है और इससे उठने वाली दुर्गंध ने भी यहां के रहवासियों का रहना दूभर कर दिया है। 3 रोज पहले इसी नाली में एक छोटे बच्चे के गिर जाने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत अपने वार्ड पार्षद गिरिवर बंटी साहू, जो कि नगर पालिक निगम के सभापति भी हैं, उनसे की थी और साथ ही यथास्थिति से महापौर को भी अवगत कराया था, परंतु अब तक शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक नगर के रहवासी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं को न्यूज टीम से साझा किया है। ये हमारे वार्ड में ये नाली में इतना पानी भर गया है और पूरा जाम है। 3 महीने से हम लोग पार्षद के पास जा रहे हैं, महापौर जी के पास भी गए, सभापति जी जैसे पार्षद है यहाँ के, उनके पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आए मतलब निगम से, लेकिन निगम से आने के बाद फोटो खींच के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी उस दिन ये बच्चा भी गिर गया था नाली में, वो तो अच्छा हो गया कि मतलब बगल जल्दी उसको उठा लिए वो लेडीज की, तो नहीं तो पता नहीं कोई हादसा हो जाता। दिक्कत यही है कि यहाँ पे ये नाली जाम है, पानी रुका हुआ है तो बदबू भी आती है और मच्छर भी इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि अब बहुत मतलब ज्यादा ही हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ की सफाई हो जाए, पानी रुका हुआ, इतने दिनों से पानी रुका हुआ रहेगा तो कोई तो मतलब परेशानी तो होंगी कि ना, बीमारी और फैलेंगी। तो अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी मतलब अपने महापौर जी, पार्षद जो भी है, तो ये क्या हमारे यहाँ वार्ड की सफाई करवा दे। बल्कि परेशानी ये जो नाली है बहुत ज्यादा जाम हो गई है, 3-4 महीने से एकदम पूरा पानी नहीं जा रहा है, जाम करके रखा हुआ है। ये कि अगर ये साफ हो जाता तो ज्यादा बेहतर, पानी भी निकल जाता है यहाँ का और इस वजह से मच्छर भी है काफी, बदबू मारी है। शिकायत भी दिए थे, कई बार दिए हैं, 1100 नंबर में फोन भी किए हैं, तो वहाँ से भी बोलते हैं कि आपके पार्षद से बात हो गई है, वो आपको 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। 3 महीने से ऐसा ही हाँ चल रहा है। कई बार मैंने कंप्लेन दी, कर देंगे बोले, हो जाएगा 2-3 दिन में हो जाएगा, निगम वालों से बातचीत हुई है और वो आके कर देंगे, दिवाली के बाद कर देंगे, ये सब चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं। वार्ड 12 के पार्षद गिरवर बंटी साहू ने भी वार्ड वासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, परंतु उनकी सूचना और शिकायतों पर भी नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारियों और कर्मचारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसकी जो सड़क नंबर 28 है जहाँ घर बना रहा है, तो उसकी मैं शिकायत 2 या 3 बार कर भी दिया हूँ और उसमें तत्काल अभी राजस्व अधिकारी से बात हुआ, तत्काल कार्रवाई करेंगे। ऐसे मेरे मतलब इस तरह के जो परेशानी जो अवैध किया गया है 4 या 5 जगह, इसको तत्काल कार्रवाई करने को बोला गया। स्थितियां परिस्थितियां यह बता रही हैं कि नगर पालिक निगम के अधिकारी अब किसी जनप्रतिनिधि की शिकायत पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप ही बताइए आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण कैसे हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।